और भाई यहाँ तो फीलिंग ही और थी यार। सचमुच आरब तो बहुत ही लकी था। और दोस्तों ये वॉर तो आपको याद ही होगी, कारगिल वॉर। यार ये देखिए सचमुच का एयरक्राफ्ट। तो आरब हाइड एंड सीक खेल रहा है मामा के साथ और ये छुप गया है। अब देखते हैं। बहुत सारी मिसाइल्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं ये। तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज फरमाइश आई है आरव की तरफ से, तो हम लेके जा रहे हैं आरव को कुछ दिखाने के लिए। आरव एक्साइटेड? कहाँ जा रहे हैं हम? भारत माता की जय। भारत माता की जय, यस। फ्रेंड्स अब मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पर और मैं आपको सामने दिखाता हूं मेरे सामने क्या है। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं चंडीगढ़ के इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में, जो कि 18 सेक्टर में पड़ता है और यहां से है इसकी एंट्री। तो चलते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ। आर यू एक्साइटेड? ये तो ये है स्काइज इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। तो ये आप देख सकते हो और यहाँ पे है हेलीकॉप्टर। ओ ऊपर भी है। ओ वाओ। तो फ्रेंड्स यहां से रास्ता जाता है सेंटर की तरफ। तो जैसे ही यहां से निकलते हैं राइट साइड पड़ता है हमारा टिकट काउंटर। टिकट सामने ले ली है। पर पर्सन टिकट 50 रुपीज़ है और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री। तो आप चलते हैं मेन गेट की तरफ जहाँ से एंट्री है हमारी। तो यहाँ पर जाते जाते ही आपको पहले सबसे दिखेंगे यहाँ पर एयरफोर्स का इतिहास, जो कि सारा बताया हुआ है 3D पेंटिंग के द्वारा। आप देख सकते हो कैसे ये 3D पेंटिंग दिखाई गई है और सारी तरफ ऐसे ही आपको वॉर्स दिखाई देंगी। ये देखिए जो मॉडल्स दिखाए गए हैं बहुत ही बारीकी से काम हुआ है इन पर। आप देख सकते हो कितना बारीकी काम हुआ है यार इनके ऊपर। और ये इंडियन एयरफोर्स के जवान कितने अच्छे बनाए हुए हैं। और जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी और जितनी भी हमने जीत हासिल की थी उस सब का प्रॉपर बताया गया है यहाँ पर। ये देखिए मॉडल्स पे तो यार बहुत ही बारीकी से काम हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये है हमारे जवान के मफलर, शेड्स, वॉच, सब कुछ रखा हुआ है, फोटोग्राफ्स और उनके हेलमेट। अच्छा लग रहा है आपको? और यार ये देखिए सचमुच का एयरक्राफ्ट जो कि अंदर की तरफ इन्होंने खड़ा किया हुआ है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यार ये। यहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, आप देख सकते हो इसकी प्रॉपर डिटेल दी हुई है, हाइट, लेंथ। और दोस्तों ये वॉर तो आपको याद ही होगी, कारगिल वॉर, जो कि 1999 में हुई थी। और यहाँ देख सकते हो ये मॉडल पूरा तैयार किया हुआ है इन्होंने और यहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, ये कैसे हुई थी पूरी जानकारी दी हुई है इन्होंने। और ये बॉम्ब है दोस्तों जो कि दुश्मन के विमान उड़ाने के लिए बना था। ये यहाँ पर बंदूकें पड़ी है आप देख सकते हो। और ये है दोस्तों पुलवामा अटैक का बदला, जो कि वायुसेना ने लिया था मिराज 2000 से हमला करके। यहाँ पर दुश्मनों के प्रशिक्षण शिविर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और दोस्तों यहाँ दिखाई गई है एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स, जो कि आप देख सकते हो सारी यूनिफॉर्म्स है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ दिखाए गए हैं रैंक्स के हिसाब से बैजेस,
तो ये दोस्तों परले जो कि अपकमिंग आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं सारे। ये हेलीकॉप्टर है जो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों ये वॉल आप देख सकते हो स्पेशली वुमेंस के लिए है जो कि नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा बताया गया है कि हमारी जो वुमेंस है वो भी आगे बढ़ गई हैं एयरफोर्स में। और दोस्तों एक ये वॉल थी जहाँ पर हम खड़े हो गए थे और सामने लगा हुआ था कैमरा और स्क्रीन, जिससे कि ये स्पेशल इफ़ेक्ट आप देख सकते हो कितना ही अच्छा लग रहा था। आरव तो पूरा इंजॉय कर रहा था इसे। और ये था दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट जिसकी आरव को बहुत वेट थी। वो चाहता था इसमें जेट में बैठना, तो मैंने उसे जेट में बिठाया और भाई यहाँ तो फीलिंग ही और थी यार। सचमुच आरव तो बहुत ही लकी था जो इस जेट के अंदर बैठा, फाइटर जेट के अंदर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यार उसे बैठकर, आरव तो पूरा इंजॉय कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क दिखाया गया है कैसे शेयर होता है वायु सेना और जल सेना के बीच में, जो कि हमले के वक्त पर हमें बहुत ज़्यादा सहायक रहेगा। यहाँ पर दोस्तों ऑफिस दिखाया गया है जहाँ पर पूरा नेटवर्क कंट्रोल होता है। और यहाँ से हम दोस्तों चल दिए थे बाहर की तरफ, और ये बाहर एक और एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये है दोस्तों 450 kg का बॉम्ब जो कि आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है कैफ़े, आप बैठकर यहाँ पर कॉफ़ी पी सकते हो और कुछ साथ में खाने के लिए ऑर्डर भी कर सकते हो। और ये रखी गई हैं यहाँ पर मिसाइल्स जो आप देख सकते हो, बहुत सारी मिसाइल्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं ये। और दोस्तों यहाँ पर खड़ा हुआ है बहुत ही बड़ा MiG-23MF जो आप देख सकते हो, और ये है उसकी डिटेल्स, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो हमने पूरा देख लिया है यहाँ पर और हमें बहुत ही अच्छा लगा देखकर। अब हम यहाँ से निकलेंगे और फिर दिखाता हूँ आपको आगे का। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और आगे जा रहे हैं 17 सेक्टर, जो कि मैं आपको पहुँच के दिखाता हूँ वहाँ पर सारा। A few moments later. तो ये है आपका रोज गार्डन का एरिया जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे, और आप यहाँ से आ सकते हो। और ये है आपका एरिया जहाँ पर आप पूरा इंजॉय कर सकते हो आकर, जो कि सारी पब्लिक है यहाँ पर। और ये 17 से जुड़ती है, वो है 17 की सड़क जो कि आप देख रहे हो इस टाइम पर। और नीचे ये सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ। तो चलते चलते आगे हैं हम नए स्पॉट पे, और आरव को सोचा थोड़ा सा एंजॉय करवाते हैं यहाँ पर। आरव क्या कर रहे हो? ये छोटा सा एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं, और ये म्यूजिक सिस्टम आ गया है कि एंट्री जो है वो फ्री है, 6 से 9 का टाइमिंग है और यहाँ से शुरू होगा और सारे यहाँ पर बैठेंगे। अच्छा यार यहाँ की भी वाइब्स, ये देखो अंडरग्राउंड बना हुआ है, ये अच्छा बना हुआ है यार। ये पिक्चर देखो कितनी अच्छी है ना, और ये दैनिक भास्कर में आई हुई है ये पिक्चर, वाओ यार। तो यार अच्छा बना हुआ ही है ना। अच्छा तो ये पार्क को ज्वाइन करता है यहाँ पर। तो यार यहाँ आकर तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ग्रीनरी है और आप देख सकते हो यहाँ पर कितने लोग आ रखे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं पूरा। हाइड एंड सीक खेलोगे?
हाइड एंड सीख, चलो चलो खेलो खेलो। चलो हाँ ठीक है, छुप जाओ। तो आरव हाइड एंड सीख खेल रहा है मम्मा के साथ और ये छुप गया है। अब देखते हैं, अब ये देखो छुप गया है, आ जाओ। और मम्मा ढूंढेगी कहाँ गया आरव। ये और ऊपर चल रहा है शूट। ये देखिए यहाँ पर भी बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। यार इन्हें देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पुराने दिन याद आ गए मुझे। यार ये स्ट्रक्चर देखो कितना अच्छा बना हुआ है ना, कितना अच्छा लग रहा है यार सचमुच। यहाँ की तो वाइब ही अलग है, मतलब सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो मज़ा आ रहा है यार। ये कभी आप आओ तो आप भी देखना यहाँ पर, ये 17 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप 17 से आ सकते हो। और दूसरी साइड है रोज़ गार्डन, ये डिवाइडिंग रोड है जो कि आप यहाँ आके इंजॉय कर सकते हो पूरा। तो ये है जो वो रोज़ गार्डन को जुड़ती है सड़क, और अब हम जो आए थे वो यहाँ से आए थे नीचे। और ये देखो सारे जो है बच्चे डांस करके आ रहे हैं वापस। तो मज़ा आया यार ये भी देख के, इंजॉयमेंट, कैसे लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं और रील्स बना रहे हैं और शूट कर रहे हैं अपना। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।